हम हमेशा से देखते आए हैं कि जब गर्मियाँ जाती हैं और सर्दियाँ आती हैं तो हम जिन कपड़ों को सबसे पहले ढूंढते हैं वो होते हैं हमारे ऊन कपड़े, यानी वो कपड़े जो ऊन से बने हुए होते हैं, वूल से बने हुए होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वूल यानी कि ऊन कहाँ से आई, सबसे पहले उसका इतिहास क्या है, उसे कहाँ से प्राप्त किया गया? तो आज इन छोटी बातों पे छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं लाया हूँ, जिस पे हम आपके सामने बात करेंगे कि सबसे पहले ऊन का उपयोग कहाँ, किस तरह और कैसे किया जाता है। देखिए, सदियों पहले जब इंसान ने तन ढकने के बारे में सोचा, तन यानी कि अपने शरीर ढकने के बारे में सोचा, तो सबसे पहले इंसान ने अपने कपड़ों के रूप में वृक्षों की छाल और पत्तों का उपयोग किया। उसके बाद उसने पत्थर से बनाए हथियारों से जब उसने जानवरों का शिकार करना सीखा तो जानवरों की खालें उसने पहनना शुरू किया। संभवतः इसी दौरान भेड़ बकरियों से ऊन से बने कपड़ों का आविष्कार भी इंसान ने कर लिया होगा। ऐसा योग दावा गलत नहीं लगता कि कपड़े बुनने की शुरुआत असल में ऊन से बने धागों के जरिए हुई होगी। भारत से बाहर उन्हीं वस्त्रों के टुकड़े मिस्र, बेबीलोन की कब्रों में भी मिलते हैं। रोमन आक्रमण से पहले भी ब्रिटेन वासी उन्हीं कपड़ों का उपयोग किया करते थे। विंचेस्टर फैक्ट्री ने ऊन का तरह तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद इंग्लैंड में भी इसका खूब उपयोग हुआ और करीब करीब 1788 में अमेरिका में जल शक्ति चलित ऊन फैक्ट्री प्रारंभ हुई। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं और साइंस की दृष्टि से ऊन को देखते हैं, तो साइंस की दृष्टि से देखें तो ऊन कैरोटीन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। क्या साइंटिफिक महत्व है ऊनी कपड़ों का? यह वही प्रोटीन है, यानी कि कैरोटीन वही प्रोटीन होता है जिससे हमारे बाल, नाखून, चिड़ियों के पंख और जानवरों के जो हॉर्न होते हैं, सिंह होते हैं, बने होते हैं। क्योंकि ऊन प्रोटीन से बनता है इसलिए इसकी कई खूबियां और कई नुकसान भी हैं। पहले अगर खूबियों की बात की जाए तो असली ऊन आसानी से आग नहीं पकड़ता, क्योंकि प्रोटीन की वजह से उसमें एक बड़ा अंश पानी का भी होता है। ऊन की एक खास बात होती है कि यह हवा से नमी को सोख देती है, लेकिन ऐसा होने पर भी इसके रेशों से गर्मी निकलती रहती है। ऊन में कपास के सूत और नायलॉन के मुकाबले ज़्यादा नमी सोखने की क्षमता होती है, यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं वो नायलॉन के कपड़ों से या कॉटन के कपड़ों से ज़्यादा गर्म होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऊन 30% तक नमी सोख सकती है, वहीं जो कॉटन होता है, कॉटन और नायलॉन सिर्फ 5% तक जो है नमी सोख सकता है। एक विशेषता यह भी है कि ऊन के रेशे इंसानों के बाल से भी पतले होते हैं। ये इतने पतले होते हैं कि माइक्रोन में नापे जाते हैं, और अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी तो एक माइक्रोन में आपको 10^-3 मीटर देखने को मिलते हैं। ऊन एक ऐसा फाइबर है जो बहुत ही पतला होता है, लेकिन ऊन की एक समस्या यह भी है, यह है कि यह प्रोटीन से बने होने के कारण इससे बने जो कपड़े होते हैं उनमें जो कीड़े हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं, दीमक इनमें सबसे पहले लगता है। नायलॉन की बजाय सबसे पहले दीमक किस में लगते हैं? ऊनी कपड़ों में लगते हैं, क्योंकि ऊन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है और कोई भी कीट है वो प्रोटीन खाना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए उसको ऊन के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। ज़्यादातर कीट पतंगों को ऊन का प्रोटीन खाने में काफ़ी मज़ा आता है, इसलिए ऊनी वस्त्रों को सहजते समय यानी रखते समय, संभालते समय हम उनमें कीटाणुरोधी गोलियां, यानी जैसे आप नेफ्थलीन हम डालते हैं, कपूर जब हम रखते हैं तो सिर्फ खुशबू के लिए नहीं रखते, इसीलिए रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे, दीमक ना लगे। जहां तक रंग की बात है तो प्राकृतिक रूप से 3 ही रंग ऊनों के मिलते हैं, सफ़ेद, वाइट, ब्लैक और ब्राउन। बाकी जितने भी रंग हैं ऊन को कृत्रिम रूप से दिए जाते हैं। एक खास बात यह भी है
कि वसंत ऋतु में उतारी गई ऊन ज़्यादा सफ़ेद होती है और उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है, जबकि अन्य ऋतुओं में गहरे रंग की ऊन मिलती है। ऊन प्राय पालतू भेड़ों, बकरियों और अनेक जनरली जो ऊन होती है वो बकरियों, खरगोश, ऊंट और याक आदि से मिलती है। आम किस्म की ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है, लेकिन पश्मीना ऊन एक खास तरह की ऊन होती है। पश्मीना ऊन बकरियों से प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन एलटी, सीटेट और एलटी में भी पूछा गया है कि पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो आपका आंसर होगा कि पश्मीना ऊन बकरियों के बाल से प्राप्त की जाती है। ये जनरली लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एरिया और हिमाचल उत्तराखंड के ठंडे एरिया में मिलती है। वहीं एक और किस्म की ऊन होती है जिसे हम अंगोरा किस्म की ऊन बोलते हैं। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अंगोरा ऊन खरगोश यानी रैबिट से प्राप्त की जाती है और यह साल भर में हर खरगोश से करीब करीब 200 से 600 ग्राम ऊन मिलती है, यानी कि एक ऊंट से, एक खरगोश से एक साल में एक किलो ऊन भी नहीं मिलती, करीब करीब आधा किलो ऊन मिलती है। आपको याद रखना है कि खरगोश से प्राप्त ऊन को हम अंगूर बोलते हैं, अंगोरा बोलते हैं, और बकरियों से प्राप्त ऊन को पश्मीना बोला जाता है। ठीक है, याक और ऊंट से मिलने वाली ऊन का भी यूज़ होता है। इसका यूज़ पेंटिंग के ब्रश, कंबल और कालीन बनाने में होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊन आपको इस तरह से दिखती है, जानवरों से प्राप्त, और कहाँ से आई होगी ऊन मैंने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।